होता है उसके तौर पे हम बोल रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की एजुकेशन देंगे जो कि एक क्वालिटी एजुकेशन होगी, और आई थिंक सो अभी गवर्नमेंट में ही ये 90 सीटें पॉलिटेक्निक में है यूपी में। उसके बाद हम इसको लाएंगे अपने आप, हम इसको कर रहे हैं डिप्लॉयड एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। और भी सेक्टर्स में एविएशन के काम कर रही है, जैसे कि हेलीपोर्ट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में ऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑल टाइप ऑफ एयर हॉस्टेस, ग्राउंड लैंडिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इसलिए हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं बिकॉज यहाँ पर अभी जो एविएशन के सेक्टर में आप लोग सब रिपोर्टिंग एजेंसी से एयर शो लॉन्च होने वाला है, आप लोगों को पता होगा नवंबर में, आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। और उड़ान स्कीम ऑलरेडी भारत सरकार की उड़ान स्कीम चल रही है, आरसीएस स्कीम चल रही है, ग्रेजुएटी स्कीम चल रही है, तो यहाँ पर जो संभावनाएं रोजगार की हैं हमें सेक्टर की हैं वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा है यूपी के, पर्टिकुलरली यूपी के, क्योंकि यूपी जो है अभी एविएशन का हब हो रहा है एंड यूपी का तो हब है। कॉमर्शियल का थ्योरी एंड लैब हमारे इंस्टीट्यूट में होगा, और ये एक्चुअली ये ईयर में नहीं, ये घंटों में चलता है कोर्स, टोटल 24 आवर्स इसकी ट्रेनिंग है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमारा 2.5 साल आया, तो उसमें 2 साल तो तब की ट्रेनिंग एंड लैब हमारे इंस्टीट्यूट में होगी जो जिस एड्रेस पर जहाँ पर है, एंड 6 महीना ट्रेनिंग एक्चुअल हेलीकॉप्टर, लाइव हेलीकॉप्टर, एक्चुअल मेंटेनेंस इन्वॉल्वमेंट एयरफोर्स में होगी, एक्चुअल मेंटेनेंस एयरपोर्ट पे करेंगे। और इसकी फीस जो है वो 4.85 लाख है पर ओवरऑल कोर्स, 4.85 लाख यानी 4,85,000 रुपए, और ये सेमेस्टर वाइज होगा बिकॉज एविएशन का इसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इन कंपैरिजन टू अदर्स ये लो है। जो अप्रूवल है वो डायरेक्ट के द्वारा सिविल एविएशन डीजीसीए से मिलता है, मिलेगा प्रोसेस में है, आई थिंक बहुत जल्दी आ जाएगा। सिर्फ सहयोग के रूप में आपको सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खोलने के लिए, सर्वे किया उसमें ये है कि लोगों को एविएशन की इस चीज की जानकारी ही नहीं है, क्या चीज ये क्यों है, लाइसेंस जैसे हम बड़े यूज करते हैं, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि लाइसेंस क्या है, लाइसेंस जैसे पायलट होता है ऑथराइज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिलता है उसको, वो डिग्री और डिप्लोमा में नहीं होता है, वैसे ही सेम ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, इसको भी लाइसेंस ही मिलता है और ये लाइसेंस के थ्रू ही चलता है एविएशन के अंदर, और कोई आदमी इसको यूज नहीं कर सकता है इसके अलावा। एक जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर मैं डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ जो इसी एविएशन कॉलेज से ताल्लुक रखता है, और वहां पे बहुत सारे बच्चे यूपी के ही अपने, और उनको ये जानकारी नहीं होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इसकी जानकारी नहीं है। ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र के अंदर चाहे आप इंडिया में रहे, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्किल। सर आप हमारे सवाल से जवाब, आपके सवाल, तो मैंने जैसा कहा कि इस क्षेत्र के अंदर डिग्री डिप्लोमा और डॉक्टरेट डज नॉट मीन एनीथिंग एक्सेप्ट इन नॉलेज एंड वी प्रोड्यूस प्रोफेशनल। व्हेन वी से वी प्रोड्यूस प्रोफेशनल मतलब नॉलेज प्लस स्किल दोनों को बनाना और जान के चलना, टिकट छोड़ दे बाकी सब लाइसेंस के साथ, और लाइसेंस उसी को मिलता है जिसके पास स्किल होती है। तो ये जो 2400 घंटे का जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। 10+2 इसलिए रखी गई है कि वो पानीपत बच्चा जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको समझ सकता है। इसके लिए पीसीएम ग्रुप एड किया हुआ है, पीसीएम इज मैंडेटरी, हां वही चीज है, ओनली रिक्वायरमेंट कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 विद पीसीएम एंड मिनिमम 50% मार्क्स,
इज एसेंशियल. डेवलपमेंट आप भी करवाते हैं, आपको एक प्रोफेशनल बनवाते हैं, तो आपको उस लाइसेंस एग्जामिनेशन जो डीडी से कंडक्ट करता है उसमें आपको लाइसेंस देने के लिए मदद करवाते हैं कि आप लाइसेंस पास कर सकें. एक बार जब आप लाइसेंस पास कर लेते हैं तो इंटरनेशनली वर्ल्ड के किसी कोने में जाएंगे तो वो लाइसेंस रिकॉग्नाइज होता है, वो एक पर्टिकुलर जहाज को मेंटेन करने के लिए इसकी मान्यता है. ठीक है, आप किसी को ले आए तो डॉक्टरेट इंजीनियरिंग करके आया है और आप बोले सिखाते हैं, उसको भी फिर इसी कोर्स के अंदर जाना पड़ता है. ठीक है, तो हम लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स आपको बुलाया गया हो तो हम आपसे यही चाहेंगे इसको आप इसको एक नए चेंजेस के रूप में देखिए कि यूपी में ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खुल गया है जिससे कि लड़के ट्रेनिंग लेके लाइसेंस डीसीए का प्राप्त करेंगे और उनको प्लेसमेंट ये इंस्टीट्यूट करा के देंगे और उनको ये जॉब की समस्या नहीं आएगी. जबकि उल्टा विपरीत ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक लोग करते हैं उनको जॉब नहीं मिलती. तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, इसका प्रयास किया गया है कि यहाँ पर जो बच्चे पास करके निकलेंगे इनके हाथ में लाइसेंस होगा, उनके पास जॉब होगी और जॉब एक सबसे बड़ी उपलब्धि है. और इसको इसके इसके लिए अवेयरनेस के लिए आप मीडिया से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसको अवेयर नजर जाए.